हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं बात कर रही हूँ रेलवे एनटीपीसी परीक्षा की सेट की, और ये आपको यहाँ पे मैथ्स के बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए अगर आपका एग्ज़ाम आने वाले टाइम में है तो, बिकॉज यहाँ पे जो भी सवाल होंगे वो आपको रैंडमली सेलेक्टेड टॉपिक से होंगे। कोई भी टॉपिक आपका मैथ्स का इसमें लिया जा सकता है, जो कि आपके रेलवे एनटीपीसी में बहुत ही ज़्यादा जिस टॉपिक से जिस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं वो सारे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमें पता चल सके कि आप लोगों को पसंद आ रहा है। तो चलिए देखते हैं। सवाल नंबर एक जो है ये हमारा टाइम एंड वर्क से लिया गया सवाल है। कह रहे यदि चार व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 21 दिन में करते हैं, तो 7 व्यक्ति 4 घंटे प्रतिदिन काम करे तो काम कितने दिनों में खत्म होगा, यह आपका सवाल है। जैसे इस तरीके का सवाल आते हैं, हम इसे बनाते हैं ओनली वन फार्मूला, MDH के फॉर्मूले से। कह रहे अगर 4 व्यक्ति 6 घंटे काम करें तो 21 दिन में करते हैं। मैन आपके हैं 4, इसे हम करेंगे M1D1H1 बराबर हो जाएगा किसके, तो M2D2H2 के। तो 4 व्यक्ति हैं, 6 घंटे करते हैं, 21 दिन, 21 × 6 इक्वल हो गया हमारा। 7 व्यक्ति के बारे में बोल रखा है, डेट हमें नहीं देखा है कि कितने दिनों में ख़त्म करेंगे, और हमें कह रहे हैं कि कितने लोग हैं यहाँ पे, 7 व्यक्ति हैं और 4 घंटे डेली काम करते हैं। 4 से 4 का खात्मा 37 या 21, यानी कितने दिन लगेंगे उसे काम करने में, तो 18 दिन। अगला इसी तरीके से सवाल है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का है। कह रहे 5000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज जिसे हम CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, हमसे बोल रखा है कि 5000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालो। तो इस तरीके के सवाल में हम करते क्या है कि सबसे पहले 5000 रुपये दिए गए हैं, उसका इंटरेस्ट हम निकाल लेंगे पर ईयर 10% करके। तो 5000 का 10% 500, फिर से 500 का 10% किया तो 50, एंड 50 का 10% हमारा हो जाता है कितना, तो 5। अब आपको हमने एक रेशियो बता के रखा है 3 ईयर्स के लिए, 3:1, हम इसी रेशियो पे इसे डालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3×500 + 3×50 + 5, तो ये हमारा हो गया 1500 + 150 + 5, ओवरऑल हमारा आ जाएगा कितना, तो 1655, ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 3 जो है हमारा टाइम एंड डिस्टेंस से लिया गया है। कह रहे एक ट्रेन जो है 30 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से एक प्लेटफॉर्म जिसकी लंबाई 600 मीटर है 30 सेकंड में पार करती है, तो हमसे पूछ रहा है ट्रेन की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ पे हमने आपको एक चीज़ बताया है कि कोई भी ट्रेन हो, जब भी किसी प्लेटफॉर्म से पार करेगी तो डिस्टेंस जो होती है वो हमारी ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई का सम होता है। तो 600 प्लस ट्रेन की लंबाई को हमने मान लिया x, ये हमारी हो गई डिस्टेंस। एंड स्पीड और टाइम दे के रखी है, तो डिस्टेंस इक्वल टू हमारा होता है स्पीड इंटू टाइम, यानी डिस्टेंस हमारा हो गया 30×30 = 600 + x, तो 900 इक्वल हमारा हो गया 600 + x की, तो x की वैल्यू हमारी आ गई 300, ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर 4 ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस से लिया गया है। कह रहा है कि किसी वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर मुझे 20% की हानि होती है, तो अगर हम चाहते हैं कि हमें 20% का लाभ हो तो हम उस वस्तु को कितने में बेचेंगे। बहुत ही सिंपल सवाल है। जैसे इस तरीके के सवाल आए, हम मान लेंगे कि हमने वस्तु को ख़रीदा है 100 यूनिट में अगर हमने ख़रीदा होता और 20% की हानि पे बेचा होता, यानी हमने वस्तु को बेचा 80 में, पर आपका सवाल कह रहा है कि हमें 20% लाभ कमाना है, तो अगर हम 20% का लाभ कमाएंगे तो हम उसे बेचेंगे 120 में। यहाँ पे हमें देख के रखा है कि 450 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, यानी 80 यूनिट बराबर है 450 के, तो हमसे पूछ रहा है 20% लाभ कमाने पर यानी 120 यूनिट के बारे में। तो 120 यूनिट इक्वल टू 450×120/80, ये हमारा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा,
इस तरीके से ये हमारा 8 है, तो ये इसे हम करेंगे यहाँ पे 15 टाइम्स में, तो 15 मल्टीप्लाई बाई 45 आपका कितना हो जाएगा, तो 675 ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 5 परसेंटेज का सवाल है, किसी संख्या का 51% 714 है तो उसी का 25% कितना होगा। तो x का 51% जो है हमारा 714 है। हमने देखा 51 से 714 डिविजिबल है या नहीं, तो ये तो डिविजिबल आई होप होना चाहिए, बिकॉज 3 से तो डिविजिबल है, हमने किया 1 टाइम्स तो 0, 2, 4, अब फिर से 4 टाइम्स यानी 14 टाइम्स डिविजिबल है, तो हमें संख्या आ गई है कि 1400 है। हमसे पूछ रहा है संख्या का 25%, तो 1400 का 25%, ओवरऑल ये हमारा कितना आ जाएगा, 25 गुना हमने 14 किया, 25 चौका 100 हमारा, और फिर से 25 तो 0, 5, 350 ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 6 जो है एवरेज का सवाल है, 20 संख्याओं का औसत है 15, अगर प्रथम 5 संख्याओं का औसत 12 है तो बाकी संख्याओं का औसत क्या होगा। इसे बनाने के 2 तरीके हैं, सबसे पहले तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 20 संख्याओं का औसत 15, तो 20 संख्याओं का योग हमारा कितना हो जाएगा, तो 20 गुना 15 यानी 300, और 5 संख्याओं का औसत है 12 तो इनका योग हो गया 60, तो 300 में से 60 को घटाया 240, तो बाकी संख्या हमारे पास बचा है 15 से हमने 240 को किया, तो ये हमारा कितने टाइम्स जाएगा, तो 16 टाइम्स, तो सिंपली हमारा आ जाएगा 16। दूसरी हो गई कि अगर ये क्वेश्चन सिंपल थे तो हमने इसे इस वे में बना लिया, बट अगर कैलकुलेशन बहुत ही ज्यादा होता तो हम इस वे में इसे नहीं बना पाते। तो चलिए देखते हैं इसका दूसरा तरीका, 20 संख्याओं का औसत है 15, शुरू के 5 संख्याओं का औसत दे के रखा है 12, हमसे पूछ रहा है बाकी के 15 संख्याओं के, इसमें हमने कर दिया 5 दिया 15, 5 चौका 20, हमने देखा कि हमारे पास 20 संख्याओं का औसत है 15 जो है 12 से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, तो 3 ज़्यादा है, तो 15+3 मल्टीप्लाई बाई कितने के लिए ज़्यादा है, तो ये हमारे पास है कितने के लिए ज़्यादा, तो 1 के लिए, और हमें निकालना है 3 के लिए, तो इस तरीके से 15+1 यानी कि 16 आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आज के लिए बस इतना ही, कैसी लगी हमारी ये वीडियो ये आप हमें लाइक कमेंट एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करके ज़रूर बताइएगा। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।